रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बारबेक्यू चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिल्कुल जिस तरह मार्केट में मिलती है बाज़ार में, उसी स्टाइल में मैं बनाऊंगी, लेकिन घर के मसालों से मैं बनाऊंगी। मैंने एक पूरा चिकन लिया है, उसके चार पीसेस कर लिए, दो लेग और दो ब्रेस्ट की, दही लिया है, अदरक लहसुन लिया है, नींबू का जूस मैं यूज़ करूँगी, चिकन टिक्का लिया है, लाल मिर्ची है, सूखा धनिया है, हल्दी है, क्यूमन है, क्यूमन पाउडर है, नमक है, कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक हसबी ज़रूरत है, और फूड कलर है ऑरेंज। तो सबसे पहले मैं चिकन टिक्का की ब्रेस्ट पे पहले स्ट्रिप कट्स लगाऊंगी और फिर इसकी ऊपर ऑपोजिट में क्रॉस कट लगाऊंगी। अमूमन हम स्ट्रेट लाइन में लगाते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो बाज़ार में हमेशा जो टिक्का मिलता है वो इसी तरह होता है। इसका फ़ायदा ये है, एक तो गलने में आसानी होती है, और दूसरी बात ये है कि इसके जो फ्लेवर्स है वो फ्लेवर्स इसमें बहुत मज़े की इसमें आते हैं, क्योंकि जो मैरिनेशन है, मैरिनेशन बहुत अच्छी तरीके से इनके पार्ट्स के अंदर हमने बहुत डीप कट लगाए हैं, तो इससे ये होगा कि अंदर तक नमकीन होगा। अक्सर हमारी बारबेक्यू जब हम बनाते हैं तो उस जैसा टेस्ट नहीं आता जिस तरह बाज़ार में मिलता है, लेकिन आप यकीन करें कि ये जब आप बनाएंगे तो अब बाज़ार का टिक्का कभी नहीं खाएंगे, आप घर में ही बनाएंगे। अब ये लेग पीस है, इसके अंदर से हमने कट्स लगाए हैं। रीज़न ये है कि अक्सर हम इसके ऊपर जब हम कट लगाते हैं तो बोन अपीयर होता है, बोन से ये होता है कि वो कट नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गोश्त होता है, तो आप पहले अंदर से लगाएं फिर इसके ऊपर लगाएं। इसी तरह जो लेग पीस है उसके ऊपर ये थाई का पोर्शन मैंने अंदर से कट किया, अब ऊपर से लगाऊंगी, क्रॉस कट लगाते जाएंगी, इतनी जितनी होंगी उतना ही मसाला अंदर तक जाएगा। अब लेग जो है उस पर मैंने दो दो कट लगाए हैं, फ्रंट पे और बैक पे, और थाई वाला पोर्शन है पहले बेसिक कट लगाए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मीट होता है, और इसके बाद ऊपर इसी तरह कट्स लगा के अब जो मेरे सारे मसाले हैं, मसाले मैंने सारे दो दो चम्मच मैंने ली है, सिर्फ मैंने हल्दी 1/3 ली है और एक पिंच मैंने फूड कलर लिया है। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते, आपकी मर्ज़ी है, नो प्रॉब्लम, आप स्किप कर सकते हैं। मैं सिर्फ बाज़ारी टच देने के लिए है कि वो लोग किस तरह यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने किया, अदरवाइज़ मैं कभी भी फूड कलर पे भी ना बिलीव करती हूँ ना डालती हूँ। तो चिकन टिक्की की अपनी एक वो होनी चाहिए। अब जितने भी मेरे मसाले हैं, लाल मिर्ची, कश्मीरी, रेड चिली, नमक हल्दी ज़रूरत मैंने डाला है, मैंने इसमें टिक्का मसाला डाला है 1 टेबलस्पून जिंजर, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन का डाला है, सूखा धनिया मैंने 2 चम्मच डाले हैं, जो हल्दी है हल्दी मैंने 1 टीस्पून डाला है, और क्यूमन पाउडर मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून। ये सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें, जो लेमन है लेमन का जूस निकाल के मैंने 3 लीमू ली है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर ये मिलेंगे, मीडियम साइज़ की लेमन है, तो ये मैं सारा इसमें डालूंगी, और इसको जो मसाला हमारा अभी ड्राई है अभी ये अब देखेंगे, इसमें मैं ऑयल इस स्टेज पे ऐड नहीं कर रही हूँ। अब ये भी एक रीज़न है, अमूमन हम डालते हैं लेकिन अभी नहीं, मैं आपको आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। दही मैं ऐड करूंगी, दही से हमारा जो चिकन है अच्छी तरीके से मैरिनेट होगा, मसाले लगेंगे और गलने में भी आसानी होगी, लेमन से इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। अब ऑयल में क्यों नहीं डाल रही, ऑयल में इसलिए नहीं डाल रही कि अभी जो मैंने मसाला लगाया है ये है, मैं ओवरनाइट इसको मैरिनेशन के लिए रखूँगी, मैरिनेट करके, तो जब मैं इसको अभी ऑयल डालूँगी तो ऑयल से इसका मसाला इस पर टिकेगा नहीं, टिकेगा लेकिन उस जैसा रिजल्ट नहीं होगा, तो आप हमेशा कोशिश करें। ये मेरा हो चुका है, मैरिनेशन मेरी कम्प्लीट हो चुकी है, इस पर मैं फॉइल चढ़ा के 24 आवर के लिए ओवर नाइट आप रख दें इसको, या 4 आवर के लिए, जितनी आप इसको टाइमिंग देंगे उतना ही अच्छा बनेगा, लेकिन इन केस आपको जल्दी है तो एटलीस्ट 4 घंटे तो आप इसको दें, ऑयल चढ़ा के इसको रख देंगे। तो मैं बता रही थी कि अगर आप ऑयल इस स्टेज पे डालेंगे, जो कि बारबेक्यू वाली से जब आप पूछेंगे तो भी आपको बताएगा, तो जो मसाला है मसाला इतना ज़्यादा इस टिकेगा नहीं, वो मतलब इससे सेपरेट होगा, तो आप लास्ट में डालेंगे। तो
तो उससे ये होगा कि वो सॉफ्ट भी रहेगा और क्या कहते हैं, मसाले नहीं हटेंगे इसे 24 आवर्स के बाद। अब देखें इसका, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और इसे जो चिकन है, जो चिकन आप कोयलों पे रखेंगे तो ये है कि आपको इतनी ऑयल की फिर ज़रूरत नहीं होगी। 2 टेबलस्पून मैंने अभी डाला है इसमें, इसको मैं अच्छी तरीके मिक्स करूँगी। और उसके बाद जो है, जो मसाला नीचे बैठा हुआ है, अक्सर जूसेस दही इसमें शामिल था तो थोड़े से जूस दूँगी, तो इसको आप अच्छी तरीके से दोबारा मिक्स करें ताकि जो नीचे बाउल में मसाला है वो मसाला दोबारा इस पर लगे। अब मैं सीखों पे इसको नहीं लगा रही, मैं इसको ग्रिल पे रखूँगी, जो बारबेक्यू ग्रिल होता है उसमें मैं इसको करूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप सीखों पे करना चाहते हैं तो आप सीखों पर भी कर सकते हैं, मैं ग्रिल पे कर रही हूँ ताकि ये मुझे पलटने में आसानी हो और ये प्रॉपर कुक भी हो। इससे ये होगा कि आपको हर 1-2 मिनट के बाद आपको इसकी साइडें चेंज करनी नहीं पड़ेगी, बस आप इसको रखें, आपको आइडिया हो जाएगा। जब एक साइड से ये कुक हो जाता है तो कलर से आपको लग जाता है कि आपको अब इसको पलटना है। और कोयले हमने पहले से जला के रखे हुए हैं, कोयले हमारे बिल्कुल पक चुके हैं। इसको सेट करने के बाद इसको बंद करके उसी पे रखेंगे हम। अब मैं साथ में थोड़े से जो ग्रीन चिलीज हैं उनको भी थोड़ा सा टोस्ट करूँगी इसी के साथ। ये बिल्कुल पक चुके हैं, कोयलों को आप हमेशा पकाएं, अच्छे तरीके से आप इसको पकाएं ताकि इसके अंदर जो गैसेस होते हैं वो गैसेस जब आपको लगे कि अब ख़त्म हो चुके हैं, इसके बाद आप इस पर चिकन रखें और ओपन एरिया में आप इसको करें। जो ग्रीन चिलीज है वो भी मैं इसके साथ ही मैंने इसमें फिट कर लिया है। और अभी ब्रश की मदद से मैं बहुत हल्का हल्का सा कलर आने के लिए, जब मैंने एक साइड चेंज किया तो उस पर मैंने लगाया नीचे की तरफ, अब इसको टर्न करने की बारी आई है तो इसको अब मैं थोड़ा सा ब्रश की मदद से दोबारा थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि ये सॉफ्ट रहे। तो 2 टेबलस्पून हमने मैरिनेशन में डाला था, अब तकरीबन 2 टेबलस्पून हम पूरी चिकन में लगाएंगे ब्रश की मदद से ताकि ये सॉफ्ट रहे और ये ड्राई ना हो। मैंने तकरीबन अपने हिसाब से मैं चेक करती रही हूँ कि ये जले नहीं लेकिन कुक भी प्रॉपरली हो, कलर अच्छा आए, तो मैंने 10 मिनट्स बिल्कुल, मैंने कोयले को कोई हवा नहीं दी, कोई पंखा नहीं चलाया, मैंने जस्ट रखा है इसको और 10 मिनट के बाद उसका जो साइड है वो चेंज किया। आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। अगर आपकी कोयले प्रॉपरली पके हुए हों तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होती। और घर के कोयले जो होते हैं बाज़ार की, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, आप कोशिश करें कि आपके कोयले कम आप रखें तो उससे क्या होगा कि आपका चिकन जो है, जो टिक्का है आपका सही से बनेगा। अगर आप वहाँ की कॉपी करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा कोयले रखते हैं। ये देखें मेरा मज़ेदार सा चिकन बारबेक्यू टिक्का जो है बिल्कुल रेडी है। आप कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको मैं पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा कलर आया है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी चिकन बारबेक्यू की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।